इस तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम साहिल है और इसने जो कुकर्म किया है उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आत्मा कांप जाएगी। 16 साल की एक लड़की साक्षी का इसने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। कत्ल सरेआम शहबाद डेरी इलाके में चाकू उठाकर उस लड़की पर चाकू से गोद डाला, उस पर इतने चाकू से वार किए कि वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि रूह कांप जाएगी। 16 से 20 25 बार उस पर चाकू से हमला किया गया है। इन चाकुओं से हमले के बाद भी जब इसका मन नहीं भरा तो इसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस 16 साल की लड़की के सर पर उसे मार दिया। एक बार मारा, खोपड़ी फट गई, दोबारा उठाया, फिर मारा, खोपड़ी फटी, दोबारा मारा, फिर खोपड़ी फटी। और आसपास कई लोग थे जो देख रहे थे, हैरानी होती है कि किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की सिवाय एक शख्स के जो उसके पास आया और वो बाद में चला गया। फिलहाल इस साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे बुलंदशहर से सोमवार दोपहर 3 बजे गिरफ्तार किया गया। इसमें लव जिहाद का भी एंगल आया क्योंकि इसके हाथ पर कलावा बंधा हुआ है। एक दो फोटोज आई जिसमें रुद्राक्ष पहना है इसने, तो उसके बाद शुरू हो गए क्या ये केरला स्टोरी या लव जिहाद का मामला है। लेकिन धर्म से इतर भी जो ये घटना है ये इंसान के तौर पर झकझोर देने वाली है और शर्मनाक उन लोगों के लिए भी है जो तमाशबीन बनकर यहां खड़े होकर, मतलब ये घटना आपको इंसानी तौर पर खत्म कर देने वाली। आपको लग रहा था कि शायद आफताब श्रद्धा या निक्की यादव वाले केस में जिसमें चार्जर से मार दिया गया था वो सारी घटनाओं में अति थी, लेकिन ये घटना इन सब से ऊपर है। 16 साल की नाबालिग लड़की वो है जिसके पास ये शख्स आता है और शहबाद डेरी इलाका है दिल्ली का जहां पर ये जाता है, किनारे खड़ी रहती है, भागने की कोशिश करती है, हाथ में चाकू लेता है और उसके बाद चाकू से मारना शुरू करता है। वो बैठ जाती है, गिर जाती है, फिर भी सर पर पीठ पर मारता रहता है और उसके बाद फिर पत्थर उठाकर, बड़ा पत्थर है वो, देखकर तो आप कांप जाएंगे। मतलब वीडियो एक बार देखने के बाद दोबारा मेरी यहां लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपकी धड़कनें बढ़ा देगी। अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में डाला है तो आपसे गुजारिश है कि ये कमजोर दिल वाले प्लीज मत देखिए। बहुत 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 इंसानी तौर पर, जहनी तौर पर ये खबर परेशान करने वाली है। लेकिन उससे ज्यादा जो परेशान करने वाली बात मेरे लिए है वो ये है कि जो लोग अगल बगल से लगातार गुजर रहे थे, अगर उनकी बहन, उनकी बेटी या उनकी पत्नी के साथ ये हो रहा था तो क्या वो ऐसे ही गुजरते, ऐसे ही रवैया उनका होता? अरे आप बगल में पत्थर पड़े थे, आप उस पर पत्थर मार सकते थे, आप चिल्ला सकते थे, आप लोग इकट्ठा होकर उसे ढकेल सकते थे अगर आपको डर भी लग रहा था। आप किसी लड़की की जान ली जा रही हो और आप बगल से गुजरते चले जा रहे हैं, पैदल वॉक कर रहे हैं, उसके बगल बगल से इतनी इतनी दूर से वॉक कर रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। इस हत्या का पाप उन लोगों के ऊपर भी है जो वहां खड़े थे, आप बचा सकते थे जिंदगी को, आपने नहीं बचाया, आपने मानवता तार तार। खैर ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों की रूह कांप गई है, इसको लेकर सियासत बहुत हो रही है। फिलहाल ये लड़का जो है इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, साहिल इसका नाम है और 20 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इसके पिता जो हैं वो सरफराज उनका नाम है और इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है जहां पर इसने आपको डार्क बॉय, बमास बॉय और दारू लवर और बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी है जहां पर एक छपरी टाइप का लड़का है जो गुंडाई करता है, चार दोस्तों के साथ बैठकर फालतू वीडियोस बनाता है और थोड़ा सा वो धमकी और गुंडा टाइप की हरकतें जो हैं वो करता है। लेकिन इतना खून सवार हो जाना, कहा जाता है कि ये दोनों शायद एक दूसरे से बातचीत करते थे, बाद में इस लड़की ने बात करना बंद कर दिया और उसके बाद इस पर खून सवार हो गया। एक थ्योरी वो कलावा को लेकर भी आ रही है। पुलिस प्रशासन जो है अब इसमें लव जिहाद वाले एंगल से, धर्म के एंगल से भी जांच करने की बात कह रही है। उधर कई सारे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने कहा है कि ये केरला स्टोरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बातचीत हुई, गले में रुद्राक्ष था, हाथों में कलावा था और उसके बाद फंसाया गया, लड़की ने बाद में बात करना बंद किया तो सरेआम उसे पकड़कर ऐसी मौत दी गई जिसको देखकर हैरानी की बात है। लड़का दिल्ली से भाग भी जाता है बुलंदशहर की तरफ, बाद में पुलिस प्रशासन जो है इस, क्योंकि घटना बहुत ही निर्मम है, हृदय विदारक है, तो इसको ट्रेस करती है और इसे पकड़ लेती है। फिलहाल थाने में है लेकिन कोई शिकवा शिकन इसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक सिर पर जो वो बड़ा सा पत्थर पड़ा था उसकी वजह से उसकी खोपड़ी फट गई थी और उस खोपड़ी फटने की वजह से इस बच्ची की मौत हो जाती है। इनके मकान मालिक जो हैं प्रहलादपुर इलाके की जैन कॉलोनी में रहता था और साहिल के मकान मालिक रामफूल जी हैं। रामफूल जी से पूछा गया कि कौन कौन था तो इसने बताया कि साहिल जो है अपनी 3 बहनें और माता पिता के साथ यहां रहता था। आप सोचिए जिसके घर में खुद 3 बहन हो वो आदमी
मतलब किसी और की बेटी, किसी और की बहन को इस तरह से मार देना। हालांकि इनके मकान मालिक जो हैं वो बहुत इनकी तारीफ कर रहे थे कि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो मैं हैरान था कि ये साहिल है, कैसे ये साहिल हो सकता है। हालांकि मकान मालिक क्यों कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन अगर इसका सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे तो बंदूक, गोली, दारू, शराब और गन कल्चर को प्रमोट करना, बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां हैं जो देखकर लगता है कि वो जो गली मोहल्ले के छपरी वाले लड़के होते हैं जिन्हें गुंडा बनने का शौक होता है, उस तरह इसकी प्रवृत्ति थी। और बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हालांकि ये पूरी घटना जो है पता इसलिए लग गई क्योंकि बगल में सीसीटीवी कैमरा था और उस सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ गया कि इस पर 20 बार से ऊपर हमला किया गया, 6 बार सिर पर पत्थर पटका गया, 6 बार वो बड़ा पत्थर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसकी पूरे सर जो है फट जाती है, मतलब क्या कहा जाए। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक सिर पर जो वो बड़ा सा पत्थर पड़ा था उसकी वजह से उसकी खोपड़ी फट गई थी और उस खोपड़ी फटने की वजह से इस बच्ची की मौत हो जाती है। इनके मकान मालिक जो हैं प्रहलादपुर इलाके की जैन कॉलोनी में रहता था और साहिल के मकान मालिक रामफूल जी हैं। रामफूल जी से पूछा गया कि कौन कौन था, तो इसने बताया कि साहिल जो है अपनी 3 बहनें और माता पिता के साथ यहां रहता था। अब सोचिए जिसके घर में खुद 3 बहन हो, वो आदमी मतलब किसी और की बेटी, किसी और की बहन को इस तरह से मार देना। हालांकि इनके मकान मालिक जो हैं वो बहुत इनकी तारीफ कर रहे थे कि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो मैं हैरान था कि ये साहिल है, कैसे ये साहिल हो सकता है। हालांकि मकान मालिक क्यों कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन अगर इसका सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे तो बंदूक, गोली, दारू, शराब और गन कल्चर को प्रमोट करना, बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां हैं जो देखकर लगता है कि वो जो गली मोहल्ले के छपरी वाले लड़के होते हैं जिन्हें गुंडा बनने का शौक होता है, उस तरह इसकी प्रवृत्ति थी। और बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हालांकि ये पूरी घटना जो है पता इसलिए लग गई क्योंकि बगल में सीसीटीवी कैमरा था और उस सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ गया कि इस पर 20 बार से ऊपर हमला किया गया, 6 बार सिर पर पत्थर पटका गया, 6 बार वो बड़ा पत्थर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसकी पूरे सर जो है फट जाती है, मतलब क्या कहा जाए।